तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको बता, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये है मोमो का मसाला, इसको हम बोलते हैं कीमा। ये है डो और ये है पेड़ा। दोस्तों ये पहला सेट बन रहा है हमारा मोमो का, मोमोस अच्छा बन रहा है। ये देखिए बनाने के लिए तरीका क्या क्या करना चाहिए। इसको बेल बेल कर रोटी बनाने के बाद इसमें हम मसाला डालेंगे। इसमें हमने डाले हैं लौकी और इसके साथ प्याज, अदरक, गाजर और इसमें मेन एक होना चाहिए वो है हुचिंग। और ये देखिए हमारा पहला सेट रेडी हो चुका है, हम इसको पकने के लिए रखेंगे। इधर ये पहला सेट पकता रहेगा तब तक हम उधर जा कर के दूसरा सेट बनाएंगे। अगर आप सिक्किम आते हो तो मोमोस ज़रूर चखे जाना। ये मैदा का डो है और ये पेड़ा बनाया हुआ है। ये है मोमोस का पूरा सेटअप, देखिए कैसे बनाया जाता है। एक पेड़ा को लेंगे हम और उसको बेल बेल कर रोटी बनाएंगे। देखिए इसका पूरा अच्छे सा शेप, गोल शेप बनाएंगे रोटी जैसा। और जब अच्छे से रोटी जैसा शेप हो जाएंगे तो इसमें हम कीमा डालेंगे। यह मोमोस का मसाला, देखिए कितने अच्छी से बना रही है मोमो। 2-3 सेकेंड ही लगता है एक मोमो बनने में। देखिए कितना अच्छा सा बना हुआ है। और इसको हम रखेंगे यहाँ साइड पर, फिर हम उठाएंगे दूसरा, वैसे ही बनाएंगे। देखिए ये है मैदे का डो, इसको हम बनाएंगे पेड़ा। देखिए पेड़े कैसे बन रहा है, मेरा पेड़ा बना हुआ कैसा लग रहा है आप लोगों का। इसको हम लाइन में रखेंगे, हम छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये छोटी ही होना चाहिए, आप चाहे तो बड़े बड़े भी बना सकते हो। आपको जैसा अच्छा लगे वैसा ही बनाकर आप खा सकते हो। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं गोगो बोनसाई यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करेगा, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। अगर यही वीडियो में लड़की डांस कर रहे होते तो आप लोग भर भर के लाइक करते। आप लोगों को लगता होगा कि मोमो बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। इसको रोटी बनाना है और उसमें मसाला डालना है और डालने के बाद इसको पैक कर देना है, मोमो बन जाएगा। तो जब इसको पैक करेंगे तो इसको हम रखेंगे मकटू में। मकटू बोले तो मोमोस बनाने का बर्तन, इसको हम मकटू बोलते हैं। और उधर बनता रहेगा तब तक हम इधर चटनी बनाएंगे, टमाटर का चटनी। हम इसको हाथ से पीस पीस कर बनाएंगे, क्योंकि हाथ से पीस कर बनाने में बहुत टेस्टी होता है। और यह छुरपी इसमें डालेंगे। यह दोस्तों टमाटर और छुरपी का अचार, मोमोस के साथ अचार बहुत टेस्टी होता है। देखिए रेडी हो गया है। वाओ, मोमो भी पककर रेडी हो चुका है। अब इसको हम परोसेंगे और खाएंगे दोस्तों। और ये बनकर रेडी हो गया है दोस्तों, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। और इसको मैं खाने वाला हूँ दोस्तों। मुझे तो मोमोज खाना बहुत अच्छा लगता है, क्या आप लोगों को भी अच्छा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए तबुस तबुस कुम्पास्ता। Pasta, cum pasta, cum pasta, cum pasta, cum pasta, cum pasta, ta busta ki na busta ki. Sige la pung wasi makanja, na kulu ku kumo sanja, nigara tabu masi juwa makanta, kalampu sumtu mula singa tuwasa.